Hello friends, once again I am here, your trainer, your guide, Jaspal Rawat. Friends, video is new but the instructions are same. Learn the sentences in the video and see the improvement in your English. And why so? For this you have to refer my previous videos. So let's start. What is the difference between shadow and shade? Think over it. You will get the answer at the end of the video. The verb which we shall discuss today is forgive, to grant pardon, maaf karna, shama karna. The government will forgive the loan of the farmers. Sarkar kisanon ka rin maaf karegi. To forgive one's enemies, apne dushman ko maaf karna. You will never be forgiven for this act. Aapko इस गुनाह की माफी कभी नहीं मिलेगी. फॉरगिवन जो है वो क्रिया का तीसरा रूप है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल. आई फॉरगेव हिम फॉर ही हैड नॉट डन इट इंटेंशनली. फॉरगिव जो है फॉरगिव का पास्ट टेंस है. उसने जानबूझकर नहीं किया इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया. The topic for question answers is schedule or schedule. इसका मतलब होता है अनुसूची या कार्यक्रम. At what time do you get up in the morning? आप सुबह कितने बजे उठते हो? I usually wake up by 5 o'clock in the morning. मैं सुबह 5 बजे तक उठ जाता हूँ. When do you leave for office? आप ऑफिस के लिए कितने बजे निकलते हो? I leave for office by 9:30 AM. मैं ऑफिस के लिए 9:30 बजे तक निकल जाता हूँ. How do you travel to office? आप ऑफिस कैसे जाते हो? First I travel by train till Dadar. Then I take a share taxi. दादर तक मैं ट्रेन से जाता हूँ, उसके बाद शेयर टैक्सी ले लेता हूँ. How long does it take to reach your office? ऑफिस पहुँचने में आपको कितना समय लगता है? It takes me 45 minutes to maximum an hour to reach the office. ऑफिस पहुँचने में मुझे 1.5 घंटे से 1 घंटा लगता है. By what time do you reach home in the evening? शाम को आप घर कब तक लौटते हो? There is no fixed time. Depends on the workload in the office. घर आने का कोई निश्चित समय नहीं है, काम पर निर्भर होता है. What time do you go to sleep? आप सोने कब तक जाते हो? I go to sleep around 11 o'clock. मैं लगभग 11 बजे तक सोने जाता हूँ. इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैडो एंड शेड. शेड ए प्लेस और एन एरिया ऑफ कंपैरेटिव डार्कनेस एज वन शेल्टर्ड फ्रॉम द सन. जहां पे धूप को रुकावट होती है और उसकी परछाई कहीं पड़ती है उसे शेड कहा जाता है. और वी कैन से एन ऑब्जेक्ट फेसिंग सनलाइट फ्रॉम वन साइड, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो सूर्य को फेस करता है एक तरफ से, एंड द शेडो कास्ट ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ उसकी परछाई पड़ती है.
is a shade for the object getting protected from direct exposure to the sun rays. ये उनके लिए shade है जो उस परछाई का फायदा उठाकर सूरज की direct रोशनी से बचते हैं. इसे हम हिंदी में छांव कहते हैं. Shadow, a dark figure or image cast on the ground or some surface by the body intercepting light. जिस चीज के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है और दूसरी तरफ जो परछाई पड़ती है उसे शैडो कहते हैं. फ्रेंड्स, इफ द वीडियो वॉज गुड प्लीज लाइक इट एंड इन फ्यूचर नॉट टू मिस माई इंपॉर्टेंट वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब फॉर इट एंड येस डोंट फॉरगेट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. थैंक यू. कीप लर्निंग. हैव अ नाइस डे.